मुंबई की पांच खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर रेलवे के पुनर्विकास के मुद्दे से जुड़ी हुई है, जहां पर जो रेलवे के आसपास पटरियों के पास जो तमाम ऐसे झुग्गियां बस्ती बनी हुई है, उसके पुनर्विकास को लेकर मुंबई में बीजेपी के जो सांसद है गोपाल शेट्टी, उन्होंने जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनको लेटर लिख करके बताया है कि जल्द ही पुनर्विकास को लेकर कोई सोच विचार करना चाहिए। दूसरी खबर मरीन ड्राइव से है, जहां पर मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में पीओ जंक्शन के पास एक शख्स डूबते नजर आया और इस गहरे पानी में डूबते देख तुरंत मुंबई पुलिस ने अपनी फुर्ती और काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत के बाद इस शख्स को सफलतापूर्वक जो है रेस्क्यू किया है। और रेस्क्यू करने के बाद पुलिस ने मैसेज दिया है कि आप जो है अगर आसपास झील के बैठते हो तो सतर्कता बनाए हुए ज़रूर बैठिए। तीसरी खबर मुंबई के बांद्रा से है, जहां पर बांद्रा इलाके में एक महिला के दरवाजे के सामने एक शख्स को पुलिस ने हस्तमैथुन करते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। चौथी खबर ट्रांस हार्बर लिंक रोड से, जहां पर मुंबई में नवंबर से यातायात के लिए खुल सकता है ट्रांस हार्बर लिंक रोड। सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने किया है वादा कि जल्द ही हम जो है इस ट्रांस लिंक हार्बर रोड को चालू कर देंगे। पांचवी खबर 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में मुंबई के एक बिल्डर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने गिरफ्तार करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन 500 करोड़ के इस मुद्दे ने बिल्डर तो नहीं पूरे मुंबई में खलबली सी मचा दी है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।